आज मैं अयोध्या में आई हूँ और ये हवाई पट्टी है अयोध्या का। यहाँ पर आज अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, जो दिल्ली के सीएम हैं, और उनके स्वागत के लिए यहाँ उनकी पार्टी समर्थन में आई हुई है। आप देख सकते हैं कि बाहर किस तरह से लोग खड़े हुए हैं। तो चलिए, देर ना करते हुए हम इन्हीं से जानते हैं कि इन लोगों का आने का मेन उद्देश्य क्या था, यहाँ की व्यवस्थाएँ क्या है, और किस तरह से इन लोगों को बाहर खड़ा किया गया है, इसका पूर्ण रीज़न क्या है। जैसे कि चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, तो क्या लगता है कि वोट बैंक के वजह से आ रहे हैं या आम पब्लिक की तरह दर्शन करने आ रहे हैं? जैसे लोगों की राय होती है ना कि अब वोट का टाइम आ रहा है तो लोग इसलिए आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको? मतलब यही है, वोटिंग चक्कर में आ रहे हैं और क्या बताया जाए। पब्लिक कम लग जाए ऐसा नहीं। अभी अयोध्या में किस चीज़ को लेकर ज़्यादा हलचल है? राम मंदिर को आपको हमने सुना है, परिवार भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो सभी सुबह तब से इंतजार था, आ गए हैं अरविंद केजरीवाल जी। आज हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी अयोध्या में पधारे, इसलिए हम लोग उनका स्वागत के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवत मान जी भी यहाँ पधारे हुए हैं राम जी के दर्शन के लिए, इसलिए हम सभी साथियों के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या हमारे साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आज जैसे कि केवल वो राम दर्शन के लिए ही आए हैं या और भी कुछ? नहीं नहीं, राम दर्शन के लिए ही आए हैं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे, फैमिली के साथ आए हुए हैं। देखिए, कहने के लिए तो बहुत सी बातें होती रहती हैं, लेकिन कहने वालों को हम कहना चाहेंगे कि ये अरविंद जी पहली बार पूजा कर रहे हैं क्या? अरविंद जी ये जब से होश संभाले हैं तब से पूजा करते हैं। जिसको अविश्वास हो, जिनको संदेह हो, जाके दिल्ली में पता कर लें कि अरविंद जी जो है वहाँ पूजा में जाते हैं कि नहीं, अपने घर पे मंदिर की स्थापना किए हैं कि नहीं, पूजा करते हैं कि नहीं, चंदन लगाते हैं कि नहीं। अभी राजनीति से जो धर्म को जोड़ा जा रहा है, ये शायद हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।